सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 149 स्टूडेंट्स और लास्ट ईयर का 2019 का नीट का फिजिक्स का पेपर. और क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर. द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1. द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक इज स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विल बी G is given as 10 meter per second square and options are under root 10, 10 upon 2 pi, 10 radian per second, 10 pi radian per second. और ये question जो है death well, मौत का कुआं या rotor के नाम से जाना जाता है. और एक और बात, इस सवाल में जरा देखें आपकी जो है कि number of lines कितनी सारी हैं, 3, 2, 5, 3, 8 और एक अगर option को गिन लिया जाए तो ये 9 लाइनें हो जाती हैं. तो इसका solution जो है वो छोटा होगा, सोल्यूशन छोटा होगा क्योंकि इन्होंने सवाल पढ़वाने में ले लिया है टाइम बहुत ज्यादा. तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक मूल मंत्र है नीट के सवालों का. और सवाल लगाने में कितना देर लगेगा जरा इसको भी देखिएगा. ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया, यहाँ पे ये वर्टिकल है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में. ये एन हो जाएगा, ये एम जी, ये वेट हो जाएगा. यहाँ पे इधर की तरफ को स्लिपिंग टेंडेंसी इसकी नीचे को होगी तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर को लगेगा. और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो बैलेंस करोगे तो एन बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर और म्यू एन बराबर हो जाएगा एम जी. तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी, एम एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन म्यू आर, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर. जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 1. तो ये हो गया अंडर रूट में 100 एंड दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड. मुझे लगता है सवाल लगाने में शायद कुछ 40-45 सेकेंड का समय लगा होगा. इतना ही समय लगना चाहिए. अगर अगर सवाल बड़ा है तो इतनी इससे अधिक समय नहीं. सो करेक्ट आंसर इज और क्या थर्ड हो जाएगा. वैल्यू इज 10 रेडियन पर सेकेंड. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.